हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं एक सिंगल फेज मोटर को टेस्ट करना। सिंगल फेज मोटर को हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये हमने एक मोटर का लेआउट बनाया है। जब हम किसी मोटर को देखते हैं तो उसमें हमको या तो चार टर्मिनल मिलता है या तीन टर्मिनल मिलता है। इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, अब इसको हम ड्राइंग पर आते हैं। तो ड्राइंग जब हम बनाते हैं तो इसको ऐसे समझते हैं कि एक इसमें रनिंग कॉइल होती है और दूसरी स्टार्टिंग कॉइल होती है, जिसमें चार टर्मिनल निकला होता है। ये चारों टर्मिनल हैं, ये अलग अलग निकाल दिए जाते हैं। किसी मोटर में अगर तीन टर्मिनल मिलता है हमको, तो उसमें ये समझ लेना चाहिए कि ये दोनों के एक एक सिरों को आपस में जोड़ दिया गया है और इस तरीके से ये तीन टर्मिनल हो जाता है, क्योंकि चार टर्मिनल वाला जो मोटर होती है उसके भी दो टर्मिनल को हम बाहर से एक साथ जोड़ देते हैं, जैसे इसमें दिखा है। और बहुत सारी मोटरों में ये जो अंदर से ही निकाल दिया जाता है, तो इसलिए जो जोड़ अंदर से निकाल दिया जाता है वो तीन टर्मिनल दिखाई देता है। ओवरऑल हम तीन टर्मिनल को ही कनेक्शन करके चलाते हैं और देखते हैं। तो अगर इसका हम कनेक्शन करते हैं तो आप जानते हैं कि एक हम रनिंग कॉइल का सिंबल बना लेते हैं और एक जो है स्टार्टिंग कॉइल का सिंबल बना लेते हैं। और इन दोनों एक सिरों को, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का सिरा आपस में जोड़ देते हैं और इस टर्मिनल को हम कॉमन टर्मिनल बोलते हैं। और एक हमारा ये स्टार्टिंग का टर्मिनल हो जाता है और एक जो है ये हमारा रनिंग का टर्मिनल हो जाता है। और इसके साथ एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है और हमेशा हम सप्लाई जो है रनिंग कॉइल को देते हैं, तो इसलिए एक सप्लाई यहाँ जोड़ देते हैं और एक सप्लाई यहाँ जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारी मोटर जो है रन करने लगती है। अब इसको अगर हम टेस्ट करें, चलाने से पहले टेस्ट करें कि इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, तो अगर हमारे पास चार टर्मिनल हैं रनिंग के और स्टार्टिंग के, अगर चार टर्मिनल हैं तो ये समझ में आ जाता है कि ये दो टर्मिनल जो है रनिंग के हैं और दो स्टार्टिंग। टेस्ट करने का इसका जो तरीका होता है, तो सबसे पहले हम दो टर्मिनल ले लेते हैं, क्योंकि ये हम ड्राइंग से समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई मोटर हमको मिलती है तो ये चीज़ें नहीं दिखाई देती है जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये दो टर्मिनल, इन टर्मिनलों को हम दो टर्मिनल को लेते हैं और मल्टीमीटर की सहायता से एक प्रोब यहाँ लगाते हैं और एक प्रोब यहाँ लगाते हैं। और मल्टीमीटर में हम रीडिंग देखते हैं, पहला कंटिन्यूटी और दूसरा उसका रेजिस्टेंस। पहला उसकी कंटिन्यूटी देखते हैं, और दूसरा उसका रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस का भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी कॉइल शार्ट होने पर भी बताता है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बताएगा, रेजिस्टेंस जीरो होता है, इसलिए उसमें रेजिस्टेंस भी होना ज़रूरी है। और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मोटर के क्षमता पर, मोटर की क्षमता कितनी है उसके आधार पर उसका रेजिस्टेंस बनता है। तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे पहले, और वही प्रक्रिया फिर स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ चेक करेंगे अलग से मल्टीमीटर का प्रोब लगा करके। और दोनों पर कंटिन्यूटी के साथ हमको रेजिस्टेंस भी पढ़ लेना चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। अगर उसका रेजिस्टेंस जीरो आ रहा है तो वो कॉइल शॉर्ट है, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि दोनों का जब हम रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं तो दोनों में किसी एक सिरे के साथ हमेशा मीटर के दूसरे प्रोब को बॉडी से भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये कॉइल बॉडी से लीक तो नहीं है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि जब ये चेक कर लेते हैं तो तीसरा पॉइंट ये है कि एक सिरा किसी एक कॉइल पर लगा करके मल्टीमीटर का, और मल्टीमीटर का दूसरा सिरा
दूसरे कॉइल से चेक करना चाहिए और इस हाल में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आती है तो भी जो है दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट हैं और वो मोटर खराब है, काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से चेक कर लेने के बाद फिर जो दो चार टर्मिनल मिलते हैं हमको, हम अंदर से समझ लेते हैं कि एक रनिंग का कॉइल है, एक स्टार्टिंग का कॉइल है, और इसके बाद दोनों कॉइलों के एक एक सिरों को लेकर के आपस में जोड़ के उसको कॉमन पॉइंट बना देते हैं, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसका रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कम होती है, वो हमारा रनिंग पॉइंट होता है, और जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, वो हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और इस तरीके से जान लेने के बाद रनिंग में और स्टार्टिंग के दोनों को आपस में एक कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं, और सप्लाई के लिए हमेशा हम रनिंग का सिलाई चुन लेते हैं और एक कॉमन पॉइंट, और इन दोनों पर सप्लाई जो है सप्लाई को स्रोत से जोड़ देते हैं, एसी सप्लाई इसी के स्रोत से जोड़ देते हैं, और इस तरीके से हमारी मोटर चलने लगती है। धन्यवाद।